हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के 36वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच। ये मुकाबला 3 नवंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 1:30 से सिडनी ग्राउंड सिडनी में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपेरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम जीती है, वहीं 11 मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शान मासूद, इख्तियार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। पाकिस्तान की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो हमें साउथ अफ्रीका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे क्विंटन डीकॉक, कप्तान तेम्बा बावुमा, रिले रॉसो, एडन मरक्रम, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, वाइने पार्नेल, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नाथजे और लुंगनी निगदी। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही हैं। दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन पेस बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इनफॉर्म भी है। इन दोनों के बीच हमें एक मीडियम स्कोरिंग जैकपॉट मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर पेस बॉलर्स को काफी मदद देखने को मिलती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 169 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 135 रन है। यहाँ का हाइएस्ट टोटल 221 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 96 है। यहाँ पर अभी तक हाइएस्ट रेस 200 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 117 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस मैच और सेशन से रिलेटेड काफी सारी अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।